पहले तो विपक्ष ये तय कर ले कि इनका प्रधानमंत्री कौन है, चेहरा कौन, केजरीवाल बनेंगे, राहुल गांधी जी बनेंगे, ममता जी बनेगी, पहले विपक्ष में बनेगा कौन वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो उनके पास चेहरा नहीं, किस आधार पर वोट मांगे। इस देश में साहब कल्याण जो हुआ है 2014 के बाद, 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ, जब से योगी महाराज जी आए, इस सब कार्यशैली कभी हुई नहीं थी। विपक्ष उस पर पहले जवाब दे कि क्या क्या मुद्दा रख के वोट मांगे। विश्व में सम्मान मिल रहा है, दवाई, कमाई, रोजगार, पढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी सब दे रही है, सड़क व्यवस्था, बिजली, ईमानदारी, सुरक्षा व्यवस्था, बेटियों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, भविष्य हो। उत्तर प्रदेश में लोगों ने पलायन करना छोड़ दिया। कोविड में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न कि अपने देश को बचाया 140 करोड़ की आबादी को, बाकी और भी कई देशों को बचाया। जहाँ जा रहे हैं लोग उनका पैर छू रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है कि यही प्रधानमंत्री रहे आगे भी तो विश्व गुरु बन जाएगा अमेरिका, अमेरिका बोल रहा है, जो खुद विश्व गुरु है। तो ऐसा ऐसे प्रधानमंत्री जी सदियों में मिल रहा है, और देश 140 करोड़ की जनता उनको खोना नहीं चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान, सबको प्रधानमंत्री आवास 12 करोड़ मिला है। शौचालय अभी हर घर में सोचिए 46,000, 43,000, अभी महाराज जी ने आज घोषित किया कि रोज 50,000 घरों में नल लग रहा है। पूरे प्रदेश में 50,000 घरों में रोज नल लग रहा है, हर घर नल से जल, 5 लाख करोड़ का बजट। कश्मीर में लोगों ने पत्थर बंदूक उठाना बंद कर दिया, अभी सबसे ज्यादा टूरिज्म वहीं बढ़ गया है। तो किस मुद्दे पर विपक्ष एक हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इन सबकी जमानत जब्त होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी 350 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा बहुमत की सरकार में, अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये रामराज जी जो चल रहा है, ये निरंतर ये विकास की गंगा जो बह रही है, ये सनातनी विचारधारा जो चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। भारत को विश्व